નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ? ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન અબાઉટ હાઉ ટુ યુઝ ધીસ TLM. આપ સબકો યે TLM દિયે ગયે હે, ઉસમે દેખો દો કાર્ડ્સ હે. દેખા, દો કાર્ડ્સ, એક તીન બોક્સ વાલા હે ઓર એક યે વર્ણમાલા વાલા હે. तो ये तीन बॉक्स वाला कार्ड है, उसमें देखो पहला बॉक्स है बिफोर लेटर, दूसरा बॉक्स है कौन सा है देखो राइट बिटवीन लेटर, और तीसरा बॉक्स है वो है आफ्टर लेटर. ओके, फिर ये वाला जो दूसरा कार्ड है उसमें देखो क वाली लाइन है, फिर दूसरी लाइन है, फिर यहाँ पे फिर से क से स्टार्ट होता है और यहाँ पे भी फिर से क से स्टार्ट होता है. तो ये सब लाइन आपको कट कर देनी है. पीछे भी देखो दिया है वर्णमाला, देखो क ख ग घ अ च छ ज ज य, फिर यहाँ पे कथ खत्म हुआ. फिर पीछे देखना है, फिर देखो यहाँ से स्टार्ट होता है ट ठ ड ढ ण त थ द ध न. ओके, यहाँ पे न के न पे कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा प फ ब भ म य र ल व श. फिर से यहाँ पे होगा स स भ ळ श त्र न और स्र. तो ये हुई पूरी वर्णमाला. तो आपको एक वर्णमाला के लिए ये पहली और दूसरी स्ट्रिप करनी है. ओके, फिर दूसरी वर्णमाला के लिए ये तीसरी और चौथी कट करनी है, और फिर तीसरी वर्णमाला के लिए ये और ये फिफ्थ और सिक्स्थ वाली लाइन है वो कट करनी है. ओके, फिर ये वाला कार्ड आपको जो दिया है देखा, उसमें आपको ऐसे कट लगाना है. ऊपर से देखो मैंने यहाँ से कट किया है, ऊपर और नीचे ये दोनों तरफ से ये तीनों बॉक्स में आपको कट कर लेना है. ओके, जो ये स्ट्राइप्स कट करेंगे तो ऐसे दो स्ट्रिप्स होगी एक वर्णमाला की, फिर दूसरी दो होगी दूसरी वर्णमाला की, और तीसरी होगी तीसरी वर्णमाला की. ऐसे दो दो स्ट्रिप्स होगी एक वर्णमाला की. ओके, तो ये सारी ये एक स्ट्रिप, ये दूसरी और ये तीसरी, यानी कि सिक्स स्ट्रिप्स हुई कुल. देखो 1 2 3 4 5 6 सिक्स स्ट्रिप्स हुई, और ये पहली दो स्ट्रिप्स है वो आपको पहले बॉक्स में लगानी है, यानी कि जो पहला क्या है देखो बिफोर लेटर में ये दोनों स्ट्रिप लगानी है. फिर दूसरी दो स्ट्राइप्स है वो आपको किस में लगानी है, बिटवीन लेटर में लगानी है, और तीसरी है वो आपको किस में लगानी है राइट आफ्टर लेटर है उसमें लगानी है. ओके, अब ये स्ट्राइप्स, ये तीनों स्ट्राइप्स आप जब इस तीनों बॉक्स में लगानी है, पहली बिटवीन लेटर बिफोर लेटर में, दूसरी बिटवीन लेटर में, और तीसरी दो है वो आप किस में लगानी है आफ्टर लेटर में. तो देखा यहाँ पे तीन तीन वर्णमाला हो गई क क क. ओके, अब आपको क्या करना है, क के बाद कौन सा लेटर आता है, चलो पहले बताओ क के बाद कौन सा लेटर आता है. पहले मैं यहाँ पे क लेकर आऊंगी रोल करके, आ गया क. अब बताओ क के बाद कौन सा लेटर आता है, वेरी गुड, क के बाद आता है देखो कौन सा लेटर आता है ख, क के बाद ख, और ख के बाद क्या आता है, ख के बाद आता है ग. हो गया, बिफोर लेटर बिटवीन लेटर और आफ्टर लेटर. ख का बिफोर लेटर क्या है, ख के आगे क आता है, क के बाद ख, और ख के बाद क्या आता है देखो ग. ख का आफ्टर लेटर है ग, और क और ग का बिटवीन लेटर है ख. फिर उसके बाद अब देखते हैं च, अब हम देखेंगे च. तो बताओ च के बाद कौन सा लेटर आएगा, वेरी गुड, छ आएगा. तो अब हम च व छ यहाँ पे लाएंगे, आ गया छ, च के बाद छ, अब छ के बाद क्या आएगा ज, छ के बाद आएगा ज. तो अब यहाँ पे क्या आएगा ज, तो देखा च छ और ज, बिफोर लेटर बिटवीन लेटर और आफ्टर लेटर. ओके, तो ऐसे ही आपको ये सारे वर्णमाला के वर्ण ऐसे रोल करके सीखने हैं, जैसे क ख ग, क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है. ओके, तो फिर इसमें आप सिंपल वर्ड भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे पहले मैं क लेकर आऊंगी, देखो यहाँ पे पहले क ली गए, लेंगे हम क,
तो क म ल वर्ड बनाना है, तो हम ये दोनों स्टेप में से हमें म ढूंढना है। तो म कहाँ पे है देखो, राइट यहाँ पे पीछे ही दिया है म, देखो। तो अब ये म वाले स्टेप से वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो कैसे डालेंगे देखो, पहले ऊपर से डाल ली है और फिर नीचे से डाल ली है ऐसे। ओके देखो क म आ गया। अब हमें ये दोनों स्टेप्स में से ल ढूंढना है। तो ल कहाँ पे है, ये तीसरी है उसमें ल है। तो हम ये वाले स्टेप भी इसके अंदर डालेंगे। देखो ऊपर से पहले और फिर नीचे से, हो गया। अब हम यहाँ पे ल लाएंगे, आ गया ल। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड भी बना, क म ल, देखो क म ल। तो कॉमन वर्ड बनाना है, तो बिफोर लेटर क्या आया क, बिटवीन लेटर म, और आफ्टर लेटर आया ल। तो ये इसमें ये डीएलए में आप ऐसे सिंपल वर्ड भी बना सकते हो, क म ल की क ल म। तो क यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ल आएगा और यहाँ पे म आएगा, फिर मगर, ऐसे कोई सारे सिंपल वर्ड भी आप बना सकते हो। तो ये है हमारा टीएलए। तो यहाँ पे आप क्या सीखोगे, आप लेटर की पहचान करना सीखोगे, जैसे क ख ग, फिर उसको यहाँ पे लाइन में रख सकोगे। क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है। तो ये है हमारा टीएलएम, बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर लेटर। तो ये आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।